हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज एक्रोनिक्स ट्रू इमेज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है एक्रोनिक्स, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। एक्रोनिक्स ओपन हो चुका है, अब हम क्लिक करेंगे टूल्स पे और सेलेक्ट करेंगे रेस्क्यू मीडिया बिल्डर। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एक्रोनिक्स बूटेबल रेस्क्यू मीडिया। उसके बाद मेरे पास जो भी आपके पास यूएसबी लगी होगी उसका नाम आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक यूएसबी लगी हुई है जिसका नाम है एक्रोनिक्स, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही उस पर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन आ गया है, प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। बहुत छोटी सी फाइल होती है, बहुत जल्दी ये बूटेबल बन जाएगी। अभी आपको मैं एक बात बताता चलूँ, ये सॉफ्टवेयर हम किन सिनेरियोज में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास मल्टीपल लैपटॉप्स हैं और आपको जो है वो विंडो इंस्टॉल करनी है एट अ सेम टाइम, तो आप इससे इमेज बना सकते हैं और उसके बाद सब में उसकी स्नैप को डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको सारे स्टेप वन बाय वन बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बूटेबल मीडिया हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम उस लैपटॉप पर चलते हैं जिसकी हमें इमेज बनानी है। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक लैपटॉप है और उसके अंदर बिल्कुल एक फ्रेश इंस्टॉलेशन की है और जो मेरे बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब मैं सबसे पहले इसकी इमेज बनाऊंगा और फिर दूसरे लैपटॉप में इसको डिप्लॉय करके आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सही से समझ सकें कि किस तरह से एक्रोनिक्स को हम यूज़ करते हैं। शट डाउन करेंगे लैपटॉप को और जो हमने यूएसबी बनाई थी बूटेबल एक्रोनिक्स की, उससे इसको बूट करेंगे। सबसे पहले बूट मेन्यू में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे एक्रोनिक्स को। यूएसबी एचडीडी पे चाहिएगा जी। एक्रोनिक्स से बूट होना शुरू हो गया। एक मिनट, ये देखिएगा आप लोगों को शायद सही से नजर आ सके। आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सही से देख सकें। पहला ऑप्शन है एक्रोनिक्स ट्रू इमेज 64 बिट, तो पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वन प्रेस कीजिएगा। लोडिंग स्टार्ट हो गई है एक्रोनिक्स की। ये आप देख सकते हैं ये एक्रोनिक्स के मेन कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना है, हमें बैकअप बनाना है इस लैपटॉप का, तो हम जाएंगे बैकअप में और पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं डिस्क एंड पार्टीशन बैकअप, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप अपनी वो डिस्क सेलेक्ट करेंगे जो आपने जिसकी इमेज बनानी है। तो बेसिकली जो डिस्क 2 है वो हमें पूरी इमेज कैप्चर करनी है, तो उसको पूरा सेलेक्ट कर लें रिकवरी पार्टीशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे आप जाएंगे ब्राउज में और बैकअप लोकेशन बताएंगे। मैंने एक ऑलरेडी पासपोर्ट ड्राइव इसमें अटैच की हुई है, तो देखिएगा माय पासपोर्ट में जाके एक फोल्डर बना दीजिएगा इस लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से। E15 बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक समझने की बात है, यहाँ पे आप जब इस तरह से नाम रख लें तो आप क्लिक करेंगे जनरेट नेम पे, ओके कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा जी, देखें अब आपके सामने जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बैकअप बनना शुरू हो चुका है। बैकअप कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से एक ओएस की इमेज का बैकअप लिया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।